देखो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का ये मतलब इस चैप्टर का क्या कह सकते हैं, इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर तीन चार क्वेश्चन है ना, ये तीन चार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है आपको वहाँ मिलेगा। ओके, आपको दिया रहेगा रूट फाइव प्रूव करना इरेशनल नंबर है, या रूट फाइव के अलावा कोई नंबर दे सकता है, रूट टू आपका इरेशनल नंबर है, या रूट थ्री आपका इरेशनल नंबर है, कंप्लीट का कॉन्सेप्ट यही लगेगा जो हम लगाने वाले हैं। तो हम मान लेंगे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे, लेट बताइए आप लोग क्या करेंगे, रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर, रूट फाइव को हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर। अगर कोई रेशनल नंबर होता है उसे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में। हमने मान लिया रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, ओके, इसको पहली लाइन लिखेंगे, अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, जहाँ पर पी और क्यू क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम कल बताया गया था क्या होता है, ओके, को प्राइम मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओके, हाँ, या सी एफ क्या होगा, वन होगा। तो यहाँ लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, जहाँ पी और क्यू क्या है, ओ प्राइम नंबर है, सभी को स्पष्ट है। अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, दो साइड स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर रूट फाइव को रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दो साइड में स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों, ठीक है, साइड मीन्स दोनों तरफ ना, बहुत अच्छे, हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्क कर देंगे, ठीक है ना। परिमेय संख्या मान लिया हमने रूट फाइव को, तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू को प्राइम होगा, को प्राइम लिख सकते हैं साहब, आज लिख सकते हैं, ओके, दोनों बच्चों का वर्क कर देंगे, तो यहाँ रूट फाइव का वर्क करेंगे, ध्यान देखिए, शाहबाज समझ लीजिए, जैसे अगर 10 है और 15 है, क्या यह शाहबाज संख्या है, हाँ। जब भी इसमें फाइव कॉमन हो गया ना, जब कॉमन होता है तो यह शाहबाज संख्या नहीं होती है, शाहबाज तब होगा जब कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे टू और थ्री है, इसमें कुछ कॉमन है, वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो टू और थ्री क्या है, शाहबाज संख्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर हम बात करें 10 और 9, क्या ये को प्राइम है, आसिफ अभी बताओ क्या को प्राइम है, ये ध्यान समझ लीजिए, शाहबाज जब होता है तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, 10 और 9 में कुछ कॉमन दिख रहा है, वन के अलावा कुछ कॉमन है, तो इसका मतलब एक ओ प्राइम नंबर हो गया ना, सॉरी प्लीज, को प्राइम का मतलब होता है शाहबाज, शाहबाज संख्या वह होती है जिसमें कुछ कॉमन ना हो, इसमें कुछ कॉमन नहीं है वन के अलावा, तो ये ओ प्राइम नंबर है। 10 और 15 यहाँ मैंने लिखा था जिसमें फाइव कॉमन है ना, तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, जिसमें कॉमन होगा वो को प्राइम नहीं होता, शाहबाज नहीं होता, स्पष्ट है। जैसे मैं लिख दूँ 6 और 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या है शाहबाज होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ 3 और 4, तो क्या है को प्राइम होगा, यस सर हो जाएगा ना, चलिए को प्राइम आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, रूट फाइव का स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ फाइव हो जाएगा, बोलो क्या भाई, यहाँ पर पी का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर, स्पष्ट है। अब इसको इधर अगर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 5q² = p² हो जाएगा, और फाइव को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, q² = p² / 5 हो जाएगा कि नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ओके। अब देखो पी स्क्वायर को फाइव डिवाइड कर रहा है, एक परमेय आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, परमेय है 1.3, 1.2 या 1.1 है, थ्योरम जिससे बोलते हैं, 1.3 है, एक चीज देख लेते हैं,
नई बुक से देखो कौन सा थ्योरम है, 1.3 है ना, तो थ्योरम हो जाएगा कौन सा, थ्योरम हो जाएगा यहाँ लिखेंगे, हाँ बाय थ्योरम 1.3 डाल लिख लेंगे। ओके तो 1.3 थ्योरम है वो क्या बोलता है, किसी नंबर की स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर अगर डिवाइड करता है तो किस नंबर को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, ये थ्योरम बोलता है। ओके तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, लिख देंगे क्या, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए लिख लेंगे पी इज आल्सो डिविजिबल बाय, तो क्या होगा पी भी 5 से विभाजित हो जाएगा, पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो जा रहा है तो जो पी है ये भी क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा कंप्लीट, तो यहाँ लिखे पी अपान 5, अगर पी में 5 से डिवाइड करें, पी मतलब कोई नंबर है जैसे 15/5, तो 5 से डिवाइड करें 3 आएगा, अगर 20/5 रहेगा, 5 4 20 कोई नंबर आएगा ना, अब कौन सा नंबर आएगा हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं सी आएगा, क्या आएगा सी, याद का स्पष्ट है, याद चीज़ें क्लियर है, अब जो इसको 5 को इधर भेज देंगे तो पी इक्वल टू कितना होगा 5c, अब पी की वैल्यू क्या करेगी, क्वेश्चन फर्स्ट, ओके अब इसको क्या करेंगे, पी की वैल्यू जो है 5c इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, समझ में आ रही बात नहीं, याद तक स्पष्ट है नहीं, याद तक चीज़ें क्लियर है, चलिए आगे बताते हैं, बी मीन्स क्या होता है, बी पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट, बी मीन्स हम होता है, पुट मीन्स रखते हैं, द वैल्यू मीन्स मान, पी मीन्स पी का, और इक्वेशन फर्स्ट में, ओके इक्वेशन फर्स्ट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्यू स्क्वायर है और क्या है, इक्वल टू है पी स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखेंगे 5c, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा अपान में क्या है 5, इसी कोई समस्या है यहाँ तक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 5 25 स्क्वायर कर देंगे ना, और c का स्क्वायर होगा क्या होगा, c स्क्वायर अपान 5, 5 से डिवाइड कर देंगे 5c स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई करा इधर भेजेंगे क्या करेगा डिवाइड करेगा ना, तो याद क्यू स्क्वायर अपान 5 हो जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो आएगा, समझ में आ रही बात की नहीं, अब देखो ध्यान से, क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, फिर से वही थ्योरम लगाएंगे 1.3, यहाँ लिखेंगे बाय थ्योरम 1.3, क्या कहता है थ्योरम, इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यदि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा बताओ, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो क्यू भी 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे क्यों स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यों भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ओके इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो p भी 5 से विभाजित हो रहा है ना, e 5 से विभाजित हो रहा है, p जो है 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, बोलो इसका मतलब कुछ कॉमन हमको मिल रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ इसका है ये पी एंड क्यू, पी और क्यू का क्या है 5 कॉमन फैक्टर है, अगर पी और क्यू का 5 कॉमन फैक्टर है तो हमने पी और क्यू को क्या माना था, ओ प्राइम नंबर, ओ प्राइम नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है,
इसलिए हमने जो एजम्पशन किया था, हमने जो कल्पना करी थी, कुछ रॉन्ग दिख रहा है हमको, गलत दिख रहा है ना। हमने तो को प्राइम नंबर लिया था, हमने सॉल्व किए तो को प्राइम नंबर आया ही नहीं। इसका मतलब हम जो कल्पना किए थे वो क्या है, गलत है, ठीक है ना। हमने जो कल्पना करी थी वो क्या है, रॉन्ग है। तो एक इसलिए हम लिख देंगे रूट फाइव क्या है, एक रेशनल नंबर, ठीक है। इतना लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिखो इतना। यहाँ लिखेंगे अभी जो समस्या उत्पन्न हो रही है, हाँ क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स होता है विरोधाभास। समस्या उत्पन्न हो गई कि यहाँ पर सहभाज को प्राइम नंबर माना था, यहाँ पर को प्राइम नंबर मिल नहीं रहा, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन या गड़बड़ी कैसे हो रही है, हैज एराइजन, एराइजन मीन्स क्या होगा, उत्पन्न होना, या कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, ठीक है, हमारी गलत अवधारणा के कारण यह जो है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए रूट फाइव इज अ इरेशनल, इसलिए रूट फाइव क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। हमने रेशनल नंबर माना था तो गलत आ रहा है, इसलिए ये रूट फाइव क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सभी को स्पष्ट है, चीजें क्लियर है, हाँ इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए।